जब लोकसभा में पोटा बिल पारित हुआ तो राज्यसभा में वह पास नहीं हो सका। उसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर पोटा बिल पास कराया गया। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि हर हमले में पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए पोटा जैसा कानून आवश्यक है। हाल ही में कश्मीर इलाके में भूकंप आया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस समय सबसे पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान से यह इजाज़त मांगी कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम जीवितों को बचाना चाहते हैं और लाशों को ढोना चाहते हैं, आप हमें यहाँ आने दें। लेकिन मुशर्रफ साहब ने हमारे हेलीकॉप्टर को वहाँ उतरने की इजाज़त नहीं दी। वह हमसे मदद तो चाहते हैं धन के रूप में या अनाज के रूप में, लेकिन हमारे सिपाही वहाँ नहीं आने देना चाहते। इसका क्या कारण था यह हमें मालूम नहीं है। कुछ समय बाद कश्मीर में कुछ जगहों पर सीमाएं खोली गईं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मानवता के नाते वहां भी हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहां के रूलर्स इस बात को नहीं मानते। सभापति महोदय, मैं विषय से अलग नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कड़ा रुख अपनाने की मानसिकता बनानी चाहिए, उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। इन्हें हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते, आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून तो बनाया जा सकता है। जो ऐसा पोटा कानून था उसे आपने समाप्त कर दिया। पोटा किसके खिलाफ था? जब हमारी संसद पर हमला हुआ उसके बाद बहस हुई, तब भी मैंने यह कहा था कि जो 5 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं वे हमारी संसद में कैसे जरिए हुआ, ये कोई हवा में से नहीं टपके, ये हमारी धरती से ही दिल्ली पहुँचे, किसी के मकान में रहे और वर्षों तक रहे। किन लोगों ने इन्हें पनाह दी? क्या वे भी सारी घटना के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या वे लोग भी उतने ही दोषी नहीं हैं? लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को सजा दे सकते हैं? क्या उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें धन दिया, रहने के लिए मकान दिया, घूमने के लिए गाड़ियाँ दी और RDX लाने में मदद की? मदद करने वाले सारे भारतीय थे, पाकिस्तान के तो केवल 5 ही लोग थे, बाकी मदद करने वाले सारे भारतीय थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कार्रवाई आप उनके ऊपर कर रहे हैं? उनके मन में आपका क्या डर है? मुंबई में बम विस्फोट हुआ, लेकिन विस्फोट करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सरकार का उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में सरकार का डर होना चाहिए, लेकिन डर तभी होता है जब कानून सख्त होता है। आप दुबई में चोरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डर है कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएंगे। दुबई में महिला की तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सबके सामने गोली मार दी जाएगी। वहाँ पर सरकार का डर है, कानून का डर है,
लेकिन वह हिम्मत भी हमारी सरकार में नहीं है। एक सरकार शक्ति बरतती है, दूसरी सरकार उस शक्ति को कम कर देती है। अगर सरकार का डर नहीं होगा तो आतंकवादी हमसे क्यों डरेंगे? जब सरकार से, कानून से उनको कोई खतरा नहीं है तो वे सरकार से क्यों डरेंगे? मेरा कहना यह है कि जब तक सरकार की ओर से कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे और सरकार अपनी मानसिकता का सबूत नहीं देगी और यह साबित नहीं करेगी सरकार आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ेगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान पर हमला करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है कि सरकार अपनी दृढ़ मानसिकता का परिचय दे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सभापति जी, आज नियम 193 के तहत गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर इस सदन में बहस हो रही है। गृह राज्य मंत्री जी ने सभा पटल पर जो बयान प्रस्तुत किया है उसको पढ़ने का मौका मुझे मिला।